أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما امين بسم الله الرحمن الرحيم سوره نور هجي ما شاء الله

जानिया जानी पचली से। और ना तुम में से कोई उन पर तरस खाए अल्लाह के कानून के बारे में, में अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और आत के दिन पर भाई यश आगा बहुमा तो मिनल और चाहिए कि एक ग्रो मोमिनों का मौजूद हो जब उनको सजा दी जा रही हो अज़ानी जानी मर्द लायन की इला जानी को निकाह ना करे मगर निकाह नहीं करेगा मगर जानिया से या से बस जानिया, तो जानिया औरत लायन के जानी, तो जानी मर्द से वुरमाजालिक मोमिनों पर ने हराम कर दिया इस बात को तो। वल्लना और वो लोग यार यरमुन सनाती जो इल्ज़ाम लगाते हैं पाक दामन औरतों पर

सो कोड़े मारे जाएंगे और अगर शादीशुदा शुदा जिना करेंगे तो रजम किया जाएगा रजम का कानून पुराने मजीद में बराहरास्त नहीं आया लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कायम किया और साहबा ने भी कायम किया और जब तक इस्लामी कवानी नाफिज रहे ये उसूल ऐसे ही कायम रहा दूसरी बात अल्लाह सुबहाना तला पर फर, जो फरमा दे कि जानी मर्द मुशरिका औरत से ही शादी करेगा या जानिया से और जानिया औरत मुशर मुशर मुछ्रिक या जानी से ये अल्लाह उसूल बता रहे हैं हुक्म नहीं दे रहे यानी कि अल्लाह कह रहे हैं कि जो जैसा है वैसे ही तलाश करेगा ना एक लड़का जो दीनदार होगा तो दीनदार भी ढूंढेगा भी और जो दीनदार होगी दीनदार मत ढूंढेगी और जो जाते हैं क्लबों में और नशे करते हैं तो वहीं पर वैसे ही ढूंढेंगे ना अपने जैसा तो अल्लाह कहते हैं जैसे है वैसे ही ढूंढेंगे अच्छा एक और अहम उसूल कजह का आ गया कजफब कहते हैं झूठा इल्जाम लगाने को के वो मासूम खवतन जिन पर इल्जाम लगाए जाए मर्दों पर भी लगाए जाए तो उसूल यही होगा औरतों का इसलिए कहा गया औरतों पर इल्जाम लगाना आसान है ना तो अल्लाह पाक देखा कि जो इल्जाम लगाएं और फिर वो गवाह ना लेकर आ सके उनको अस्सी कोड़े मारे जाएंगे ये हद है है ठीक जो गवाह आएंगे उनको भी कोड़े पड़ेंगे जब उनकी गवाही साबित नहीं होगी तो वल यरमूना अज़वाजहुम रहे वो लोग जब अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाए वलम लहुम शुहदा ना उसके लिए गवाह पाए इल्ला अनफुसहुम सिवाय अपनी जानो फशहादतु अदीम उनमें से हर एक के जिम्मे शहादत है और बहु शहादत चार बिल्ला की कसम के साथ इन्ना स्वादिखी के वो सच्चों में से है वल वलखाम तो पांचवी गवाही है अन्ना लानत अलही उस पर अल्लाह की लानत हो इन ना मिल काज अगर वो झूठा होगा यह अनह अनहल अजाबा और उससे सजा हट सकती है अंत शदा शहादत बिल्ला अगर वो चार गवाहियां दे अल्लाह की कसम के साथ इन नहु लमिन काजिबिन के ये मर्द झूठ बोल रहा है बलखाम था अन्ना गदब अल्लाह अलह पांचवी कि उस मर्द पर अल्लाह का गजब नाजिल हो इनका ना मिनस्वादिन अगर वो सच्चा हो उस औरत पर अल्लाह का गजब नाजिल हो अच्छा जी इसको लान कहते हैं ये कानून है कि अगर कोई मर्द ये कहे कि मेरी बीवी जानी है मैंने उसे करते देखा मेरे पास गवाह नहीं है तो अदालत में दोनों का केस आएगा मर्द चार गवाहियां देगा अल्लाह की कसम के साथ कि अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूँ और पांचवी कसम उठाएगा अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो अगर औरत इन गवाहियों को मान ले तो उस पर फिर रजम की हद जारी होगी और अगर वो औरत का नहीं ये झूठ बोल रहा है कस्मों के बाद भी तो फिर वो चार कस्में उठाएगी कि अल्लाह की कसम ये मर्द झूठ बोल रहा है और पांचवी कसम उठाएगी कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गजब ना नाजिल हो अगर वो कसमें उठा लेती है तो फिर मर्द औरत को कोई सजा नहीं होगी मर्द औरतहदगी हमेशा के लिए हो जाएगी बच्चे औरत को दिए जाएंगे और माँ ही से नसब पाएंगे और माँ ही से वरासत पाएंगे बाप से ना नसब होगा ना वरासत होगी मगर ना कोई औरत पर निज़ाम लगाएगा ना बच्चों पर अगर किसी ने कुछ ऐसी बात की तो उस पर तजफ्स जारी होगी उनका मामला अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ है

हर वो बंदा जो इसमें शामिल हुआ मक इसमें उसने अपने हिस्से का गुना कमाया की वो जिसे इसमें सबसे बड़ा हिस्सा डाला मिन इन में से उसके लिए बड़ा आजाब है अब्दुल्ला बिन उबई की बात हो रही है सलीका रजी तबी मुस्तल पर नबी अलैहि वसल्लम के साथ थी तो जो सुबह जब सब खवातीन गई पेशाब वगैरह करते वो भी गई तो उनका हार टूट कर गिर पड़ा उन्होंने खवतिन को नहीं बताया खामोशी से पीछे चली गई उनको लगा कि मैं लेकर आ जाऊंगी हार मोतियों का था मोती इकट्ठे करते टाइम लग गया पीछे से कहा लश्कर जो है वो चला गया पर्दे का हुगम आ चुका था औरतें पालकियों में बैठकर पर्दे गिरा लेती थी, थी। मर्द पालकियां उठा के रख लेते थे नहीं किसी का ख्याल गया अम्मा जब आई तो लश्कर का खाली थी अम्मा वहीं बैठ गई तो सफान बिन मुतल रजी अल्लाह तला की ड्यूटी थी वो लश्कर का को चेक करते थे फिर आते थे तो वो जो पहुंचे तो उन्होंने देखा अम्मा को तो पहचान लिया तो उन्होंने कहा इन्ना लीला अम्मा नबी की बीवी तो यही रह गई तो अम्मा की आंख लग गई थी इस बात से आंख खुल गई उन्होंने ऊँट बिठाया अम्मा कहती है मैं ऊँट पर बैठी और बस अफवान मुझे लेकर चल पड़े आ गया लश्कर पहुंचा पीछे पीछे ये पहुंचे ये जब पहुंचे हैं तो अभी अम्मा की गैर मौजूदगी का पता नहीं चला था अभी लोग खेमे खोल रहे थे अभी पालकिया उतारी जा रही थी लिहाजा पीछे ये पहुंच गए तो अब्दुल्ला बिन उबई ने जो है बकवास की कि इनका आपस में अफेयर है और देखो ये ऐसे और वैसे है तो अब ये बात जो थी ये अः मुनाफिकों ने जुबानों पर ले ली मुसलमान तो खामोश रहे खामोशी पर ही डांट पड़ रही है कि तुमने क्यों नहीं कहा क्यों तुमने नहीं कहा कि झूठ है चुप क्यों रहे तो आ, मुनाफिक जो है इन्होंने इस बात को बहुत उछाला फिर अल्लाह सुबहाना तला ने एक महीना ये मामला चला मुसलमान बिल्कुल खामोश रहे एक महीने बाद फिर सूराए नूर नाजिल हुई और ये आयत नाजिल हुई और अम्मा अम्मायशा की बरात जाहिर हो गई तो अल्लाह कह रहे हैं कि सबको सजा मिलेगी सबसे ज्यादा सजा मिलेगी अब्दुल्ला बिन नुबई को जिसने ये फसाद डाला लौला क्यों नहीं इस समी तुम जब तुमने ये बात सुनी दिलों में तुमने मोमिन मर्दों औरतों के बारे में अच्छा गुमान किया वकालू उन्होंने कहा हाज इफ मुबीन ये सफेद झूठ है लौला जा शोहदा क्यों नहीं वो चार गवाल आए गवाह लेकर नहीं आए फो का इंद अल्ला वो अल्लाह के होता अल्ला तो ने गलती की है उसकी वजह से तुम्हें दुनिया में अजाब अजीम मिल जाता इस तलको नब तुम अपनी जबानों पर ये बात ले रहे थे मुंह से कह रहे थे जिसका तुम्हें पता भी

बहुत शफीक है या यूह लजीना ईमान वालो लात तभी खुदवाती दुआती शैतवान अब शैतान के पीछे मत लगना मैय तभी खुदवाती दुआती शैतवानी जिससे शैतान की

रिश्तेदारों को मस्किनों को महाजरे को अल्लाह के रामे वल्या और, और चाहिए माफ करें वलू दरगुजर करें अला तो ही पूरा क्या तुम पसंद नहीं करते अल्लाह माफ करते फूल रहीम अल्लाह बख्श देता है मेहरबान है थी। वो जो इल्जाम लगाते पाक दामन मासूम बेखबर मोबिना औरतों पर आखरत में पर लानत की गई है वाला नजीम, उनके लिए अजाब अजीम है आल और उस दिन सजा मिलेगी उन्हें जिस दिन गवाही देंगे उनके खिलाफ उनकी जुबान उनके हाथ उनके पैर उनके अमाल की वजह से हक यही दिन होगा जब जु अल्लाह सबको उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दे देगा

लेकिन अल्लाह वैसे बता रहे हैं कि हर बंदा वैसा ही बंदा चुनता है जिस तरह का वो खुद होता है तो नबी सल वसलम की तो सबसे महबूब बीवी थी अम्मा आयशा तो अगर खुदा न खास्ता उनके किरदार में कोई खराबी होती पहली बात कौन से महल में रहती थी एक एक तो कमरा था और कमरा भी कितना छोटा था कि अम्मा आयशा लेटी होती थी तो नबी सलम को सजदा करने की जगह नहीं मिलती थी सजदे के लिए उनकी टांगे हटानी पड़ती थी यानी कि इतने कितने रूम थे उन रूमों के कमरे के एक एक दरवाजा था दरवाजे कहाँ खुलते थे मस्जिद के अंदर तो कौन सी बात नाज रह सकती थी भाई कोई बात मेरे घर की बात नहीं राज रहती आप हमशाला आते जाते हैं ना तो हर बात आपकी नजरों में होती है फुला आया फुला गया फुला पका फुला नहीं पका तो ये आपके घर की क्या बात राज रह सकती थी चौबीस घंटे तो मस्जिद में तालीमो तरबियत हो रही थी तो नबीयक करीम सलम के दिल में जिस बीवी की इतनी मोहब्बत थी इतनी शदीद आप मोहब्बत उसी से करते हैं जो आपका हम मिजाज होता है फितरी अमर है ना जो आपको चढ़ाए आपकी बात ना माने आपका मिजाज से अलग हो आपका सगा बच्चा हो आपको अच्छा नहीं लगता आप चढ़ जाते हैं नाराज रहते तो अल्लाह कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे तुमने सोचा नहीं कि वो कैसे किरदार में खराब हो सकती और दूसरी बात चौबीस घंटे तो तुम मस्जिद में डेरे डाले रखते हो कोई कुरान सीख रहा है कोई हदीस सीख रहा है कोई कुछ कर रहा है तो एक ही दरवाजा था उस दरवाजे से ही आना जाना था कभी आते जाते देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा जिस बंदे की तुम बात करते हो वो तो कभी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर नहीं आया सफान बिन मतल रजी अल्लाह तो कभी आते जाते देखा कोई ऐप देखा किस बिना पर बात कर दी या तो हो ना कि कोई बड़ा बाहर जाती थी बड़ा कोई लूड़ लू फिरती हो खीन तो तुम बात भी करो तो ये अल्लाह कह रहे हैं बाकी ये बात ये उसूल नहीं है ये अल्लाह का बनाया उसूल नहीं है ये फितरी उसूल है जो जैसा होता है वैसे को तलाश करता है हाँ बाज़ा धोखा दही हो जाती है या आजमाइश जैसे आसिया जैसी खातून जो है वो फिरौन की बीवी थी और हजरत नू और हजरत लूत सलाम की बीवियां ना फरमान और नकमी थी तो वो तो फिर आजमाइी हैं वो तो हो सकती हजरत अबू बकर की जो पहली बीवी थी कुतैला वो नहीं मुसलमान हुई हालांकि आपकी बेटी असमा वगैरह उन्हीं से थी मगर नहीं वो मुसलमान हुई फिर दूसरी बीवी जो थी वो अम्माइशा की वालदा थी उम्मान रजी अल्लाह फिर उसके बाद असम बिनते उमैस से शादी की आपने उम रुमान की वफात के बाद आपने असमा बिनते उमैस से शादी की तो ये उसूल नहीं है ये फितरी बात बताई जा रही है ठीक है यानी बाज लोग ये दावे करते हैं ना कि जी पाक बाज की बीवी पाक बाजी होगी और पाक बाज औरत का शोहर पाक बाजी होगा और अगर कोई खराबी है इनके शोहर फर्ज करे बदकार निकला है तो ऐ भी खराब होगी नहीं ये उसूल नहीं दिया अल्लाह ये कोई उसूल नहीं ये उसूल बयान नहीं हो रहा ये फितरी रुझानात की बात हो रही है और अगर किसी के साथ कोई आजमाइश हो जाए और भी औरत नेक है उसको शोहर बुरा मिला या शोहर को बीवी बुरी मिली तो कुदरती बातें मुाफकत नहीं हो पाती अगर निभा भी ले बच्चों की खातर तो बस मजबूरन ही निभाते हैं वैसी मोहब्बत थोड़ी होती थी जैसी आयशा से थी अम्मा आयशा से तो आपको जिसे हमारी जुबान में कहते हैं ना इश्क था अरबी में तो खैर इश्क को पागलपन के माने में लिया जाता है हमारी जुबान में इसको इश्क कहते हैं तो आपको बहुत प्यार था अम्मा आयशा से बहुत ज्यादा जिस तरह बेटियों में सबसे महबूब फातिमा थी उसी तरह बीबी में सबसे महबूब आयशा थी रजी अल्लाह तो ये अल्लाह कह रहे हैं कि तो हाँ जी दिनी 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 शरीद मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अम्मा आयशा से तो ये मोहब्बत इतात और हम मिजाजी की वजह से तो वो अल्लाह ये बात फिर सामने ला रहे हैं कि अगर कोई अच्छा फर्ज निभा भी लेगा जैसे हजरत नूत ने निभा लिया अपनी बीवी को या हजरत नू ने तो कोई मजबूरी में निभाया ना उलाई का मुबाकुल ये, ये पाक लोग हैं तुम्हारी बातों से जो तुम कहते हो लहू मफर तुम वरिस्कुन करीम उनकी मायशा सरीका रजी अल्लाह ताला अन्हा तो है ही है इसमें मुराद सफान बिन मुअत्तिल भी है ठीक है या ईमान वालो ला तदखुलू बयूतन मत दाखिल हुआ करो घरों में गैरा अपने घर के जब तक तुम मानूस हो जाओ इजाजत ना ले लो तो और सलाम भेजो रहने वालों के बिला इजाजत घरों में दाखिल मत हो झालकुम खैर तुम्हारे हक में अच्छा है ताकि नसीहत कबूल करो फिल्लम तदीहा आहदन अगर घर में कोई ना हो फला मत जाओ हता यूजना जब तक जब तक तुम्हें इजाजत न मिले वनकीला लक अगर तुम्हें कहा जाए वापस चले जाओ फर्जू, वापस आ जाओ हुआ आज का लकुम तुम्हारे हक में अच्छा होगा वल्लाउ बिमा तम आलिम अल्लाह तुम्हारे अमाल जानता है नहीं सारे तुम जुना हूं तुम पर गुना नहीं बयूत घरों में दाखिल होगा ही राम जो गैर आबाद है फी हमता लिए नफा हो नफा है तुम्हारा सामान पड़ा हुआ है ये निके घरों में जैसे गोडाउन बनाए हुए अल्लाह यामुमा तुदू नमा तक तुम उन और अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो जो तुम दिखाते हो कुल्ल मीना मोमिनो से कही अपनी नजरें झुकाएज अपनी शरम गाहों की हिफात करें जाली का उनके हक में अच्छा है इन अल्लाह खबीर बिमा यून अल्लाह उनके आमाल जानता है वह कुल्लिल मोमि मर्दों से मोमि औरतों से भी कही दुद नही ना अपनी नजरें झुकाए न फरूज ना अपनी शरम मु गाहों हिफाजत करें और अपना की करना। तीसरी अपनी नहीं करेंगी। जो पहना है जीनत वगेरा, जेवरात वगैरह मेकअप किया है तो वो नहीं दिखाएंगी इलामा जहरा मिना जो खुद बहुत हो जाए उसके सिवा, क्या हो जाता है आपकी हाइट आपका मोटा पतला होना चाल वगैरह तो यह खुद बहुत हो जाता है अलाजियना और चाहिए डाले रखें अपनी अपने गिरे पर, तो अपने सीने कवर करके रखें घरों के अंदर भी जाहिर ना करेंगरों पर औबाई बापों पर औ आबाई बउल शोहरों के बापों पर सुसर ओ अबना बेटे ओ अबनाई बउलतीन्ना शोहरों के बेटे यानी कि सोतेले बेटे औ इकवान्ना भाई वनी अखवाति हिन्ना भतीजे औ बनी अखबातीन्ना भांजे औ ना मुसलमान औरतें औ मलकत ऐम अभी ताबी ना मिनर रिजाली या वो लड़के जो अभी जो वो लड़के या मर्द जिनको औरतों से रगबत नहीं है इम्पोर्टेंट होते हैं जी ऐसे नहीं होते इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता आ, ऐसे कुछ लोग होते हैं बालिक बच्चे ना अपने पैर जमीन पर जोर से मारे लिए मा मा जीन पोशीदा जीना ज़ाहर हो अब इसमें जो शोहर है उसके साथ तो कोई कैद नहीं है किसी भी तरह की लेकिन जो खबीन है आ, और जो बाकी सारे मर्द हैं जितने भी रिश्ते महरम हैं, उनके सामने हम अपने आ, फेस वगैरह तो कवर करने की पाबंदी नहीं है लेकिन सीनी और सर नॉर्मल जैसे दुपट्टा हम लेते हैं वो लेना होगा ठीक है ऐसे नहीं है कि सब कुछ उतार कर जो है वो घूम सकते हैं सब की तरफ इजीबा करोन आया ईमान वालो फलाह पाओ हुल आयाम अमिन, अमिन इबादुम निकाह कर दो अपने सारे मुजरद लोगों के जो तुम में से हो सवाले तुम्हारी कनीजे और गुलाम भी अब जो अकेला हो उसकी शादी कराने का हुक्म है जी तो आमादा करना और शादी कराना यकून अगर वो हो फुकरा की ताक नहीं है उन्हें चाहिए पाक दामन रहे हु मुल्ला हु तक अपने से गनी कर दे। और जो चाहे मकातबतको तुम तुम्हारे गुलामों में से फ़क़ा उनसे मुकाबत करो तुम फीरन अगर तुम उनमें बेहतरी पाओ मकाबत होता है कि आका मुझे किस कीमत पर आ

भला तुकड़ी हो बिगाई अपनी को बदकारी पर मत करो। में था, था। खरीदते थे और उनको फरोशी पे लगा देते थे बिन नई का भी तो यही कारोबार था बदब्त तो का तो अल्लाह ने कहा कि नहीं कनीजों को तुम अपने कामों के लिए रख सकते हो शादियां कर सकते हो अपनी बीवी बना सकते हो लेकिन उनको बदकारी के लिए नहीं रख सकते इन अरद ना तह सुना तब तक अगर वो चाहे पाकबाज रहना तो मत मजबूर करो कि तलाश करो अदल हयात दुनिया दुनिया का माल यानी कि पैसों के लिए उनको जिसम फरोश मत बनाओ वमा जो मजबूर करेगा उनको हमी उनको इकरा हिन्ना रहीम अल्लाह बख्श देगा मजबूर होने के बाद क्योंकि वो बख्शता है मेहरबान है यानी कि जिन औरतों को मजबूर करके पेशे पे लगाया गया अल्लाह कहते हैं मैं माफ़ कर दूंगा लेकिन जिन्होंने मजबूर किया उनके लिए तो माफी नहीं है वलाकद वलकदल नया मुबै नातिन और बेशक हमने आप पर उतारी रोशन आयतें वलकत अनुकुम आयत मुबीन हम तुम पर उतार रहे हैं बहुत ही वाज आयते पेश वा कर रहे हैं पहले गुजरे लोगों की। मुत्तकीन। और नसीहत है आसमान के, के लिए नूर की तरह है अल्लाह नूर से बना नहीं है जी इस आयत से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकलता और ये जो कहा जाता है अल्लाह नूर से बने हैं ये आपकी गलत फहमी है अल्लाह के बारे में हम कुछ नहीं जानते फरिश्ते नूर से बने हैं बस Allah, नूरु समावाती वल अल्लाह जमीन आसमान के लिए रोशनी की तरह है जैसे रोशनी के बगैर हयात नहीं है उसी तरह अल्लाह के बगैर भी कुछ नहीं हो सकता और जिस तरह रोशनी में आप सब कुछ देखते हैं अल्लाह की हिदायत में भी सब देखते हैं ये मिसाल दी गई है अल्लाह जमीन व आसमान के लिए रोशनी की तरह है मसल नूर ही उसके नूर की मिसाल है कमिश्तीन जैसे एक ताक है फी हम जिसमें चराग रखा है फी जुजाजा और ये चराग खुद एक फानूस में है शीशे की एक

प्यासे को लगता है पानी है हत्ता जा जा जब वो पास पहुंचता है कुछ नहीं होता अल्लाह और अल्ला को मौजूद पाता है उसे पूरा मौजूदी हिसाब या फिर उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो अंधेरों में गिर जाए समंदर के और गहरे पानी में डूब जाए मौज के मौज के ऊपर है और मौजों के ऊपर बादल उन बाद हुआ, बाद। एक हाथ देखना चाहे तो नहीं देख सकता नूर और जिसके लिए अल्लाह ने नहीं नूर बनाया निये कोई नूर नहीं है तो दुआई नूर पड़ा करे जी क्या है दुआई नूर अल्लाह

तो आप पढ़ते रास्ता पमाना कमरे से निकलकर अपनी इमामत की जगह तक पहुंचना इतना की फासला था लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौरान में पढ़ते तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं सजदे में पढ़े रुकू में पढ़े सलाम से पहले पढ़े वजू के बाद पढ़े जब चाहे पढ़े ये असली दुआए नूर है ये आपको अल्लाम में मिल जाएगी आसान दुआ है अल्लाहम्ज अल्फी कल बी नूरम वफ़ी सम इनूरम वफ़ी बसर नूरम व आई अमीन नूरम व आई असार नूरम व फौकी नूरम व ता नूरम व अमाम नूरम व खल्फी नूरम कुछ यानी कि एक हदीस में कुछ अल्फाज ज्यादा भी हैं वफी अज्म नूरम वफ़ी नूरम वफी कारी नूरम वफी शारी नूरम तो वो पूरी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ ले लेकिन वो थोड़ी उसकी सनत थोड़ी जयीफ है इसकी कभी है तो बहरहाल दोनों ही बराबर है वह ली नूरम व जीदनी नूरम व तमिम ली नूरा तो ये जो है एक हदीस में जो है वह दी ली नूरा भी जो है एंड पर आता है कि अपनी दूर की तरफ हिदायत दे तो वो आप बात यही है कि ये दो असल में ये दो अलग अलग हदीसें हैं एक की सनत जयीफ है और एक की कवि जो तवील है उसकी सनत जयीफ है और जो मुख्तसर है उसकी कवि है दोनों ही पढ़ी जा सकती है कोई हरज नहीं जो भी पढ़ लें पढ़ें जरूर देखा नहीं कि अल्लाह की तस्वीर कर रहे हैं आसमान में सब और परिंदे सफ़े बनाए अपनी नमाज अपनी तस्वीर जान ली वह फलून अल्लाह जानता है वो जो करते हैं वली समावती वल अर्थ आसमान और जमीन की बादशाह अल्लाह की है वही सबका लौटना अल्लाह की तरफ है तुमने देखा नहीं कि अल्लाह बादलों को चलाता है फिर उन्हें जोड़ता है, सुम्मा फिर उनकी तहे लगाता है कायक मिन और तुम देखते हो कि उनकी तहों के गैप में से वक्फे में से बादिश के कतरे टपकते हैं मिनस समा इमिन इन और इन्हीं बादलों से जब ये पहाड़ों पर जाते हैं मिम बरसते हैं उसी भी ही जिसे चाहता है ये चीजें पहुंचती हैं जिसे चाहता है फेर देता है, की ही करीब है बिजली की चमक यहा या या उनकी नजरें छीन दिन रात को बदलता है इसमें निशानी है उनके लिए जो निगाहों वाले हैं जो साहिब बसीरत हैं जो गौर करते हैं वल्लाहु मिन माइन अल्लाह ने हर चीज को हर मखलूक को पानी से पैदा किया हम ये बात मानते हैं मगर साइंस की बिना पर बदकिस्मती से अमीन हम यमशी अला बतनी तो इनमें से कुछ है जो पेट के बल रेंगते हैं वमिन हम मैम शी अला रिजलन कुछ दो पैरों पर चलते हैं वमिन हम मयम शी अला अरबीन और कोई चार पैरों पर चलते हैं तो ये जो क्या इन साइंस से ये भी कहा ना कि इंसान भी बहसियत न एक जानवर है ये कुरान ने ही बयान किया क्योंकि हम ही तो दो पैरों पर चलते हैं

अल्लाह और रसूल फिर उनमें से एक फरीक इसके बाद मुंह मोड़ जाता है वह मुमिनीन क्योंकि वो ईमान वाले थे ही नहीं वह व ही जब बुलाया जाता है यकुमा बहना उनकी माँ बहन फैसला करते। इजा तो उनका एक ग्रो मुंह मोड़ जाता है वही यकुल्लाकू या अगर उनका हक बनता हो तब तो वो दौड़े आते हैं फरमा बर्दार बनकर अफी उलूब ही मरद उन अबसला है क्या उनके दिलों में मर्स है अमिर काबू या वो शक में है अम या खाफून या डर लगता है उन्हें आई यही फ़ल्ला रसूल उन पर जुल्म करेंगे बल उलाई का नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ये वो लोग है। हैं उमालम जो है ही झालिम इन ना कौलना बेशक मोमिनों का कौल होता है ज्यादा ऊसूल ही जब उन्हें अल्लाह रसूल बुलाए या कुमा कि वो फैसला करें उनके माँ बहन अन यूलू वो कहते हैं जमीना वाना हमने सुना हमने इत की वो उलाय का बेशक व फलाह पाने वाले हैं मई अल्लाह रसूल और इताद की जो इताद करेगा अल्लाह अल्ला के रसूल की, अल्ला तक ही और डरेगा अल्लाह करेगा अल्लाह की मजबूत लइन अमर तुम लैक ना के अगर हमें हुक्म हम जरूर निकलेंगे खाकर मत बताओ ता तुम मारूफ अतुन इतात मारूफ तरीके से करके दिखाना इन अल्लाह खबी तामून अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है

तुम तुम्हारा बोझ और जो तुम पर है वो तुम उठवाए जाओगे यानी कि हर किसी ने अपने अमल का बोझ उठाना है हैोगे हमारे है, पैगाम वजात से देना वाद अल्लाह अल्लाह का वादा है ईमान वालों ने को कारों से। फिल के जरूर वो उन्हें जानशीन जान बनाएगा जमीन हिम जैसा क्रिस्तिन से पहलों को बनाया वला युम लहुम और जरूर वो उन्हें जमीन में खिलाफत अता करेगा दीनाजी कायम कर देगा उनका दीन जिसने पसंद कर दिया उनके लिए। वला को इबादत करे मेरी लाभ मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाए अमनिका जिस नसीहत के बाद फासिक है बाकी मुस्ला जक़ातः नमाज कायम करो जक़त अदा करो रसूल रसूल की तात करो लाल ताकि फला पाओ गुमान करें काफिल मुझदी न जमीन में आजिज़ कर सकते हैं अल्लाह

मिन कबली फजर। फजर से पहले तो मिना थी। और दोपहर को जोहर के वक्त जब तुम कपड़े उतार कर कैलूला करते हो सला के बाद यानी कि जब आराम करते हो तो बच्चे और गुलाम भी इजाजत लेकर आए सलासू और रातुम ये तुम्हारे पर्दे के औकात हैं जुना हुन इसके बाद तुम पर, और उन पर गुना नहीं तब वन बुमलाबाद क्योंकि तुम लोग एक दूसरे के पास कसरत से आते जाते हो कज़ालिका आयत आयात तुम पर अपनी आये वाजे तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाए को पहुंच जाए इजाज़त ले कमस्ताजन कबल जिस तरह पहले लोग इजाजत लेते रहे हैं कजालिकाबैन लकुम आयाते ही अल्लाह तुम पर अपनी आयते वाजे कर रहा है, हकीम, वाला है। औरते। अर्जुना निकाहन जिनको निकाह की कोई उम्मीद नहीं रह गई फल के कपड़े उतार दे इनके बुरका वगैरह ना पहने गैर मुतबदी जातिम बजी नीन शर्त यह है कि वो नुमाश ना करने वालियाँ खैरना अगर वो पर्दा ही करे और पाकिजा रहे तो ज्यादा अच्छा है यानी के कोई बूढ़ी खातून जैसे तरह साठ सत्तर साल की हो गई तो अब अगर वो अबाया तर्क कर दें चादर से काम चला लें तो ठीक है इजाजत है लेकिन तो उसमें शर्त यह है कि मेकअप शेकअप ना करती हो अगर शौक है मेकअप करती है जेवर पहनती है तो फिर पर्दा भी करें वल्ला समी अल्लाह सुनता और जानता है लई साल हराजुन नहीं कोई अंधे पर हरज वी हराजुन न लंगड़े पर हरज है वला मरीजी ना मरीज पर हराजुन कोई तंगी वला ना तुम पर के तुम अपने घरों में आओ और खाना खाओ ओ या बापों के घरों में ओ बुती उम्मा या माओं के घरों में ओ बुती अखानी भाइयों के घरों में ओ बुति अखवाति या बहनों के घरों में ओ बुती आमामी चाचाओं के घरों में ओ बुती अम्मातिकुम फूफियों के घरों में ओ बुति खालाओं मामो के घरों में ओ बुती

जुना कुछ गुना नहीं तुम परमी चाहे मिलकर खाओ चाहे अलग अलग, अलग खाओ भाई दखल तुम बयूतन जब तुम घरों में दाखिल हो सलाम किया करो अलाते लोगों को तही यन उस तरीके से दुआ के तरीके से मिन इन दिल्ला जो अल्लाह ने दिया मुबारक मुबारक है तो ये बतन पाकिजा है तो अल्लाह ने तरीका दिया मुबारक और तैयब वो है असला तो उसे छोड़कर ये अल्लाह हाफिज फी अमान अल्लास्म की चीजें मत किया करे आयाती अम पर आयत तुम अक्ल अख्तियार करोना है नबी के पास लम ये सबू नहीं जाते हत्यस्ताजिन जब तक वो इजाजत ना दे रहे इनयताजिन का बेशक आपकी इजाजत वही मांगते हैं जो अल्लाह रसूल पर ईमान लाते हैं फैज ताजन का अगर वो आप इजाजत मांगे बादशाहम अपने किसी काम के लिए फाज़ल लिमन शी तमिन हूँ अगर आप चाहें किसी के लिए तो इजाजत दे दें बस तक और उनके लिए इस्तेफ़ार करें इन अल्लाह गफूर अल्लाह बख्शता है मेहरबान है लादा जालू दुआ रसूली बई नकुम का दुआ बादा नबी को पुकारना ऐसे मत रखो जैसे तुम एक दूसरे को आवाजें देते हो बेशक अल्लाह जानता है उनको जो खिसक जाते हैं तुम्हारे दरमियान से आड़ लेकर नबी सलम के पास होते ना तो आप कोई काम कहते किसी वैसे इज्तमाही तौर पर लेट सपोज गए खंदक तो खंदक खोदनी है तो इससे पहले की टीमें बने निकल गए बीच वैसे एक मुझे तो ना खोदनी पड़े भाई यख जरिलजीना अन अमरी तो डरना चाहिए उन लोगों को जो आपके कामों की मुखालफत करते हैं अन फितना

नहीं वो कुछ भी पैदा कर सकते वहु युकून वो पैदा किए गए हैं वो यम तो अपनी जान के नफर नुकसान का अख्तियार नहीं रखते बला के मालिक नहीं है बला उठाए जाने केाह आ खून के ये कुरान एक झूठ है जिस बंदे ने लिया है और इसकी मदद की है दूसरी कौम के कुछ बंदों ने यहूद वो कहते थे मदद ली है अलैहि वसल्लम ने जैसे आज हम हाँ भी हर किसी पर डाल देते हैं ना जब डॉक्टर परत ने पढ़ाना शुरू किया ना उनका नाम थोड़ा चला तो कहने लगे कि ये यहूदियों की एजेंट है तो ये हमने आम बात बनाई हुई है जिसे हमने रिजेक्ट करना होता है हम उसे यहूदियों का एजेंट बना देते हैं तो कुफार भी यही करते थे बख्या तो जा

रसूल है। आज भी हम वही कहते हैं ना हमारे रसूल इंसान नहीं है फरिश्ते हैं उनके लिए चूंकि आप इंसान थे तो वो कहते थे नबी नहीं हो सकते लोला मलाकुन क्यों इस पर कोई फरिश्ता हाजिर नहीं हुआ फैया को नामा नजीरा उसके साथ रहता लोगों को आगाह करता हटो बचो फाजिर बाश अल्लाह के रसूल आ रहे हैं ही कनस क्यों इस पर खजाना नहीं उतारा गया ओ तक इसको कोई बाग दे याकुल पैरवी कर रहे हो उस पर जादू चला हुआ है अमसाला तो आप पर कैसी बातें बना रहे हैं फदराह हो गए रास्ता जानने की ताकत नहीं इनमें तबारकल बाबरकत है अल्लाह इन शाह का जन्नात इन तक जिमिताती अल अनहार वो अगर चाहे आपके लिए इससे बेहतर बागात बना दे जिनमें नहरें चलें भैया या अल्लाह का कुसूर आपके लिए महलात तामीर कर दे बल्कि जब बिसात ही मगर ये मामला है ही नहीं ये तो कयामत के इंकारी हैं वा आदत नलीमन कजब बिसाती सईरा और जहन्नम कयामत के इंकारीयों के लिए हमने जहन्नम की आग का आजाद तैयार कर रखा है इजा रात दिन। दूर से देखेगी समय उल्हागन और ये सुनेंगे उसका गुस्से से खोलना वज़फीरन और जोश मारना भाई जाऊल को मिन मकान जब डाले जाएंगे तो पाएंगे उसे एक तंग जगह मुकर झगड़े हुए होंगे पहले ही बेड़ियों में दाऊ हुनाली का सबूरा अपने लिए मौत पुकारेंगे अल्लाह बिनार लात उल यो मबूरा फरिश्ते कहेंगे एक मौत मत, मत पुकारो वाहिदन तनहाबूर कसीरा तो बहुत मोतें आने वाली है पूछिए कौन सी जिंदगी बेहतर है जहन्नुम की या हमेशा की वाली जन्नतें अल्लाकून जिसका वादा मुत्तकीन से है कानून जजा बेशक उनके लिए बदला है और पलटने की जगह लहू फी हम यशाउना खालिदीना इनके लिए जन्नत में वो सब होगा जो वो चाहेंगे कान आला रब्बिका वाद मसूला और ये तेरे रब के जिम्मे वो वादा है

जिक्र जिक्र ये आपका जिक्र भूल गए शामद जदा हो गई ये जवाब होगा जी अली अल, रजी अल्लाह तुका हुसैन रजी तन का और हमें उम्मीद है कि अब्दुल कादर जिलानी जैसे लोगों का भी यही जवाब होगा वक़त का जबूकुम तो उन्होंने तो तुम आ,

इक्विटी या इक्वेलिटी से नहीं निभाए जाते इक्विटी से निभाए जाते हैं बराबरी से नहीं इस तहसान से निभाए जाते हैं लिहाजा आप अपनी फिक्र करें दूसरों की नहीं यानी ये मत कहें उनने करांगा तो अगर उसने अपने लिए जहन्नुम का रास्ता चुना है तो आपने तो नहीं चुनना ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदम के बेटे की मिसाल दी कि वो करो जो आदम का बेटे ने किया तुम कत्ल करो करो मैं तो नहीं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा तो ये इतने मामला आसान नहीं है बहुत अहम बात है बहुत अहम जुमला है हजरत असमा रजी अल्लाह तहा का जो मैं आपको कहने लगी हूँ जब अः बिन यूसुफ ने उनके बेटे जो थे अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह को शहीद किया और फिर उनकी लाश को लटका रहने लटका दिया लोगों की इबरत के लिए कि लोग डर जाए तीन चार दिन बाद उनको दफन किया गया तो अम्मा से जाकर मिले हजरत असमा रजी तला से मिला मिलाजा तो कहने लगा देखा मैंने तेरे बेटे का क्या अंजाम किया तो अम्मा ने कहा हाँ मैंने हजरत असमा ने कहा उन मानों में तो अम्मा नहीं है बुजुर्ग है तो वो कहने लगी हजरत असमा कि हाँ मैंने देखा तुमने उसकी दुनिया खराब कर दी उससे तुम्हारी आकबत तो ऐसा ना हो कि आप किसी की दुनिया खराब करें और वो आपकी आकबत खराब करें डरा करें रिश्तों के मामले में बहुओं के मामले में भाभीियों के मामले में नंदों के मामले में एक शोहर की दो बीवियां एक दूसरे के मामले में हर कोई डरे औलादों के मामले में शोहरों के मामले में शोहर बीवियों के मामले में ऐसा ना हो कि आप किसी की दुनिया तबाह कर दें और उसकी दुनिया की तबाही आपकी आखिरत की खराबी का बायस बन सोच रहे फैसला आपका है तो दिल बड़ा करना होगा इस तहसान का रवैया रखना होगा अभी आपने सूर्य नूर पढ़ी है और सूर्य नूर का ही वाक्य आप बारहा पढ़ चुके हैं जिन्होंने कुरान खत्म किया उन्होंने तो बारहा पढ़ा है आपने भी दो कुरान में तो पढ़ा ही है कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह के कजन थे मिस्ता बिन उसासा तो मिस्तह जो थे उन्होंने अम्मा आयशा पर इल्ज़ाम लगाने में हिस्सा लिया हालांकि मुसलमान थे सही हो तो जब ये बर्रात की आयतें आई तो अबू बकर ने गुस्से में कहा मिस्ते अल्लाह की कसम मैं आइंदा तुझे मदद नहीं कर दूंगा तो अल्लाह ने आयतें उतार दी जो आप पढ़ कर आए नूर में कि जो तुम में से मुस्त वाले और माल वाले हैं वो कसम ना न कि मुहाजरीन की मसाकिन की मदद नहीं करेंगे माफ कर दो दरगुजर करो क्या तुम पसंद नहीं करते अल्लाह तुम्हें माफ कर दे इससे बड़ी क्या बात हो सकती थी कि नबी की बीवी पर अबू बकर की बेटी पर इल्जाम लगा अबू बकर ने खाली कहा मैं तुम्हें मदद ही दूंगा अल्लाह ने आयतें उतार दी आप तो क्या चाहते हैं हम हम पर इससे ज्यादा ज्यादती तो नहीं हो रही मैं मानती हूँ कुछ लोग हमारी आजमाइश बन जाते हैं लेकिन टेस्ट तो फिर हमारा ही है ना वो तो पेपर है टेस्ट तो मेरा हो रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ पूछ तो मुझसे होनी है तो अपने आप को इतना कमजोर मत करें कि लोग आपको जहन्नम की तरफ धकेल दें ये आपकी कमजोरी है क्योंकि अल्लाह ने तो आजमाना है अल्लाह ने तो नबियों को आजमाया हम क्यों नहीं आजमाए जाएंगे ना आप महाज पर जा रहे हैं जंग पर ना आप जो है दीन को कायम करने के लिए सड़क पर निकले हुए आप कर क्या रहे हैं घर चला रहे हैं, तो घरों में ही आजमाइश होगी रिश्तों से ही आजमाइश होगी जहां बैठे वहीं से आजमाइश होगी तो फिर इतना अगर आप कमजोर हैं कि अगला आपको भड़का कर बोलने पर लड़ने पर तंग करने पर मजबूर कर देता है तो वीकनेस आप में है आप वीक पर्सन है आपका इम्यूनिटी सिस्टम इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम रूहानी सिस्टम वीक है उसको मजबूत करें अल्लाह से मदद मांगे नबी की मुसीबतों को याद करें और अगर आपको राय करके भड़का के अगला जहनुमी बना रहे तो फिर फायदा फायदा? क्या? कोई तो ये मोटा मोटा लिख कर लगा ले किसी की दुनिया खराब मत करें हो सकता है आपकी आखत खराब हो जाए और अपने ऊपर चेक रखे ये मत कहीं उसने क्या किया ये देखे मैंने क्या किया मुझे तो अपना जवाब देना है ना आपका थोड़ी देना है जवाब देने के लिए आप हैं ये थोड़ा सा हमें अपने आप को बदलना होगा दिल बड़े करने होंगे भैया दिल बड़े हो हुँ, करने होंगे पैमाने बढ़ाने होंगे खैर चाहिए कितनी चाहिए कितनी खैर चाहिए आप बताओ कितनी अल्लाह से कितना चाहिए कभी सोचा है बहुत चाहिए ना बहुत चाहिए अनलिमिटेड चाहिए तो मेरी बेटी अनलिमिटेड के लिए पैमाना भी तो अनलिमिटेड चाहिए है ना लेकर तुम आओ गिलास और को अल्लाह लिमिटेड दे दो अल्लाह कहेंगे पागल हो भागो यहाँ से ऐसे ही है ना तो फिर अनलिमिटेड बड़ा पैमाना लाना होगा अनलिमिटेड बड़ा पैमाना और हमेशा याद रखें नबी अकम सलम ने क्या कहा कयामत का मुफलिस कौन है नेकिया लाएगा हाँ और फिर जाया क्योंगी इसने कहा उसने कहा किसको कहा कहा जाते को आप कोई दरवाजे पे खड़ी है अस्तर दरवाजे पे खड़ी है कि जो आया उसको पढ़ जाओ घर वालों को तंग करेंगे ना हम ले देकर फैमिली को ही तंग करेंगे तो मत करें तंग हो ले अच्छा है तंग करें मत हमारा कोई उनकी तरफ हिसाब निकले ये बेहतर है उनका हिसाब हम पर ना निकले रस्ते छोड़ दे आसानी दे दे नबी करीम वसल्लम से एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मैं चाहता हूँ लोग मुझे प्यार करें आपने कहा दुनिया उनके लिए छोड़ दो आप यकीन करें जितना मैं इस हदीस पर अमल कर सकी हूँ उतना ही वाक देखती हूँ कि लोग मुझसे करीब है फैमिली के आपका मेरा तो दुनिया का वो लेन देन ही नहीं है ना हमारा तो कुरान का ताल्लुक है मैं फैमिली की बात कर रही हूँ जितना हो सका है हंड्रेड परसेंट ऑब्वियसली तो नहीं हो सका लेकिन जितना हो सका है उतना ही मेरी फैमिली मुझसे जुड़ी हुई है वो समझते मैं कह रहा हूँ क्योंकि लोग दिल में नहीं ना जान सकते वो आपका तर्ज अमल देखते हैं तो आपकी ये बात इतनी आपकी हर बात सच्ची है मगर कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आप सल्लम ने कहा दुनिया उनके लिए छोड़ दो वो तुमसे मोहब्बत करेंगे मगर हम तो दुनिया पे लड़ते हैं मेरा सामान मेरी चीज मेरा मोबाइल मेरी देखची मेरा ढकना मेरा चमचा क्या हो गया क्या हो गया कुछ नहीं होता दिल बड़ा करना बस एक बार खुद को समझाने की बात एक बार खुद को समझ क्या समझाना है मेरा जर मेरे अल्लाह के पास मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता और हम जो भी शेयर करते हैं अल्लाह के लिए में से करते हैं

कि अम्मी पहले मैं लूंगी जोड़ा फिर आप बे, अपनी बेटी को देना तो अम्मी जी तमाशा लगा देंगी अगर अम्मी जी कह दें कि ये जोड़ा मुझे पसंद आ गया है तो बहुत तमाशा लगा देगी हो क्या गया है कितना अरसा चलना है जन्नत के जोड़े नहीं चाहिए ये सोच कर दे दो नबी सर में कहा ना जो अच्छा जोड़ा पहन सकता है अल्लाह की रजा के लिए ना पहने अल्लाह पाक उसको जन्नत की वर्ड देंगे जाओ जो, जो जोड़ा लेना ले लो ठीक है ना अब आप इसमें सिर्फ पैसों की बात नहीं है आप कशोर जोड़ा लाया दो तीन जोड़े लाया एक आपके लिए लाया आपको पसंद भी बहुत आया आपकी नानदाई कहती भाभी मुझे तो यही दे दो आप ना भी कर सकती आप दे भी सकती है मर्जी आपकी जन्नत का चुन लिया उसको दे दे वो खुश हो जाएगी सदके का भी अजर मिलेगा सिला रहमी का भी और जन्नत का जोड़ा भी मिलेगा कयामत के दिन तो दिल बड़े करने की बात है बस दिल बड़े करने की सारा फर्क यहाँ पर है हर किसी का आधा गिलास भरा हुआ है आधा ग्लास खाली है जो हाल को देखते हैं वो रोते रहते हैं जो भरे को देखते हैं वो खुश रहते हैं अपने आप को बदल दे खुश रहते हैं जी खुश रहते हैं, हैं। देखिए खुशी का ताल्लुक खुशी आप किस बात को मानते हैं अगर आप खुशी ये समझते हैं कि आप हर वक्त यानी आपको अच्छाइयां मिलती रहे तो तो वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मिली खुशी का मतलब यह है कि दिल मुतमईन हो आप शुक्र गुजार हो आप गिल्टी कॉन्शियस ना हो आपने आज के दिन में किसी पर जुल्म नहीं किया आपने किसी का हक नहीं मारा आप अल्लाह के यहाँ शुक्र गुजार हैं आज की नेमतों को बस ये खुशी है खुशी से मुराद ये नहीं है कि आप परेशान नहीं होंगे परेशानियां तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई हैं सारी जिंदगी आई है एक दिन बता दें जब कोई आजमाइश ना आई हो वो दिन बताएं मुझे आपकी जिंदगी का मैं आपको हजार बार कह चुकी फतेह बदर कर कर आए हैं और बेटी मर गई है आने से पहले आप पहुंचे और बेटी दफन करके सहाबा हटे तो ये गम नहीं है जी इसको गम समझने वाले कि सोच दुनिया परस्ती की सोच है ये तो आजमाइश है इससे तो गुजरना है, तो है। आने आए जाना है और आजमाइश अपना टेस्ट देना है अपने मरेंगे रिश्तेदार मरेंगे बीमारी आएगी ये गम की बात नहीं है गम की बात यह है कि मैं आज के दिन में जालिम हूँ मैंने किसी को तकलीफ दी है मैंने किसी का हक मार दिया मैंने किसी को जलील कर दिया मैंने किसी के साथ नारवा सलूक किया मैंने किसी को मुंह नहीं लगाया और आपका रब कहता है ऐ मुसलमान और तो एक दूसरे को तमस्कर का निशाना ना बनाओ एक दूसरे को हकीर ना समझो क्या पता अल्लाह के यहाँ कौन बेहतर मत दिल दुखाया करे मत रुसवा किया करे मत किसी को हकीर समझा रहे अल्लाह को ही पता है अल्लाह के यहाँ बेहतर कौन वही जानता तो पैमाने बड़े करने होंगे जी पैमाने बड़े करने होंगे अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमें माफ कर दे लोगों को माफ कर दिया करें अगर आप चाहते हैं अल्लाह हम पर मेहरबान हो लोगों पर मेहरबान हो जाए अगर आप चाहते हैं अल्लाह पे रहम करे लोगों पर रहम करने की आदत डाले एक गुलाम को दिन में सत्तर मरतबा माफ करना है तो हमारे तो सब इर्द गिर्द आजाद है बल्कि मादर पिदर ही आजाद है तो बस खुद को बदल अपना दामन बचा ठीक है और इतने कमजोर ना बने वो जैसे डेलू कट्टा जिसको कहते हैं ना कि दो बातें करके साले आपको और आप फिर आपको होश ही ना रहे और आपका जो दिल चाहे आप बकें और जो दिल चाहे आप करें और फिर बाद में कहे मुझे गुस्सा आ गया था नो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज आपकी वीकनेस है ही इस पर काबू पाए अल्लाह से मदद मांगे सबसे पहले सबसे पहले नफले हाजत पड़े उसके बाद गौर करें बैठकर अगर आप इतनी जल्दी फ्लेयर अप हो जाते हैं या तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या आपको गुमान है क्या बहुत अच्छी अब अपनी असेसमेंट आपको हाँ तो खुद कर सकते हैं ना तो अपनी असेसमेंट करें क्यों गुस्सा आता है अच्छा शैतानिर रजीम कसरत से पढ़े अल्लाउिका मजाती कसरत से पढ़े अगर आप में कमी है कि अगला दो बातें करके आपको आग लगा देता है तो फिर सोचने की बात क्योंकि गुस्सा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आता था मगर जब गुस्सा आता था तो चुप हो जाते थे अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है भैया करो, करो और रिएक्ट ना करो रिस्पॉन्ड करो इसके लिए क्या करना होगा सब्रजीना कर? तो रुक जाओ ठहर जाओ हट जाओ हट जाओ कुछ नहीं होता खामोशी अख्तियार करो जब आपको भड़का रहा है अगला उसी वक्त पढ़नी शुरू कर दो हम कोई बच्चे है वो बच्ची होती है ना एक बच्चा बैठा अच्छा अच्छा खेल रहा है दूसरा बच्चा मेरी नूरुल हुदा ऐसे करती है बड़ी होगी थोड़ी तो छोटी बहनों का ना ऐसे छेड़ के गुजर जाएगी बाल खेच लेगी उसकी चीज हिला जाएगी अब फिर वो मरियम छोटी है सबसे वो लेट जाएगी वही व्या टांगे मारेगी एक चीज वो फेंकेगी वो टेबल ही गिरा देगी मरियम क्या किया है वो मुझे छेड़ कर गई अच्छा उसने एक चीज छेड़ छेड़ती आपने सब कुछ क्यों गिराया ये उसको सूट करता है उसकी एज है ना वो पाँच साल की है हम पचपन साल के हो गई भी यही कुछ करेंगे हमने कब बड़े होने अगले ने एक चीज गिराई है हमें उसे भी वापस रखना मोमिन साबिता है और मैंने आपसे कहा था शजर की खूबी होती है कि एक बंदा आकर उसकी जड़ में बैठकर कर मुंह के चला जाता है हग के चला जाता है वो उसको भी खाद बनाकर उससे भी चीजें प्रोड्यूस कर लेते अगर मुझमें ये खूबी नहीं है तो मेरे ईमान का फिर लेवल नहीं है न? मैं कैसा दरख्त हुई आप देखिए फिर वही बात है कि दरख्त की जड़ में गलाजत भी कोई कर जाता है तो उसके फल में स्मेल नहीं आती आती है कभी आप देखें ये जो पहलियां होती है जहां पर सब्जियां हैं है। सारे गांव वाले वहां जाकर सुबह पिशाब पौटी करते हैं तो आपने कभी उसका असर पाया सब्जी में फल में हाँ ये क्वालिटी है ये क्वालिटी है दरख्त की ये हर चीज को रिसाइकल कर देता हम कैसे मोमिन अगला एक बात करता है यानी कि वो एक गंध डालता है हम दस गुना डालते दरख्त बनना ऑक्सीजन देनी है सफाई करनी है हमारे फल में स्मेल नहीं आनी चाहिए तो ये भाई आसान बात नहीं है ये मुश्किल मरहला पजालिका मिन अजमिल तस्विर फा मिन अजमिल तो ये बड़ा अहम बात है जी अपनी जुबान को रोके अपने हाथ को रोके अपने दिलों को बदले अपने जहनों को बदले मामला पे छोड़ दे क्या कहा है आपके रब ने फाफू हत्या कर दिया करो, माफ़ कर दो फैसला अल्लाह पे छोड़ दो वो खुद फैसला कर दे आपको क्या पता उन्होंने अपना रास्ता कितना साफ किया है आप कोई बात नहीं वो बेवकूफ़ लोग हैं बेवकूफ लोग आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाए उनके सहन में गंद फेंक देते थे ना तंग करने के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के बाहर फेंक देते दिल बड़े करने होंगे मेरी प्यारी बहनों दिल बड़े करने होंगे जिनके दर्जे बड़े होते हैं उनके दिल बड़े होते हैं और छोटे दिल के लोग बड़े दर्जों के लायक ही नहीं होते फिर अल्लाह देते भी नहीं तो बड़ा दर्जे चाहिए दिल बड़ा कर लो ले आओ अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता आमीन अच्छा बखालत माल की भी होती है और बखालत अखलाक की भी होती है तो बखालत निजात की दुआ क्या है आप लोग बताए अच्छा शुका नफसी इसका तर्जुमा करें आप करें, करें। जी रब्बी की नी शुखा नफसी अल्लाह मुझे मेरे के बुखल से महफूज कर दे रब्बी की नी शुखा नफ़सी तो ये सिर्फ आपको माल के बुखल से नहीं अखलाकी बुखल से भी बचाएगा ये भी तो बुखल ही है ना लोगों के लिए तंग दिली रखना तो ये उससे भी बचाएगा जामे दुआ है अल्लाह में तो अदा करे जी आमीन मेरी बात तो याद रखिएगा, भुला मत दीजिएगा क्योंकि निशान सबसे बड़ी मुसीबत है इल्म की किसी ने कुछ कहा या मुझे लगा तोफी कदा फरमाए आप हर क्लास में रोज ही बहन कह रही हैं, बड़ी अच्छी बात कह रही हैं। वो कह रही हैं कि आप ये बात इस तरह की बात क्लास में रोज रिपीट कर दिया करें हो ही जाती है कुरान का मौजू है कुरान का सबसे अहम मौजू तोहीद के बाद क्या है अखलाकिया क्योंकि नबी नबीकर ने फरमाया तुमने सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे और आपने फरमाया जो तुमने अख्लाक में अच्छा है वो जन्नत में मेरे साथ क्यों हो होगा दो उंगलियां मिलाई और आपने कहा मैं उतारा गया हूं आला अखलाक की तकमील के लिए तो इल्म के लिए उतारे गए और अखलाक की तकमील के लिए अखलाक से हम फारिग हैं और इल्म से हम वेले तो कैसे उम्मीती हैं नबी की विरासत में से कुछ भी नहीं पाया एक एक अखलाक बताएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाएं से शुरू करें आप आप बताएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अखलाक खोल आदत एक मिनट में बताना है सोचना नहीं है रैपिड फायर फेल हो गई आप आप बताएं आप एक जमले में दुश्मनों के साथ उसने सलूक आपा कोई एक आदत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वाले आप एक, एक आदत आपकी एक आदत आपका एक अखलाक मसावत माशाल्लाह आप, आप बताएंगी आप बताएं सोबिया जी मैंने ये नहीं पूछा मैंने कहा आपकी एक अच्छी आदत बताएं आप बताएं आसमा बच्चों से मोहब्बत आप बताएं मैंने ये तबसरा नहीं मांगा मैंने कहा एक अच्छी आदत बताएं मैंने ये सब नहीं पूछा आप बताएं शफकत करते थे आप बताए कि आप हाँ जी जी आप बताएं जी आप बताएं, बताएं। दर गुजर करते थे आप बताएं यतीमों पर रहम करते थे आप बताएं माफ करने वाले थे उन्होंने कह आपका कहना जरूरी था जी तो किसी को नहीं जानते थे जी आप, आप पर आफरीन, प्यार ले ले आप बताएं पूरा वादा पूरा करने वाले थे बीवियों के साथ अच्छे थे, साथ अच्छे थे। आप भी प्यार ही ले बोले एक कहा था ना एक बोले सदाकत आप बोले गुस्से को काबू में रखने वाले आप दुश्मनों के साथ बराबरी और दोनों ही हो गए आपकी जात में इतनी खूबियां हैं आप लोग ऐसे रिपीट कर रहे हैं जैसे आती नहीं है जी बड़ी देर के बाद आया ये ख्याल किसी को सबसे पहले होना चाहिए था ना सब सेंट पर याद आया शाबाश सादिक थे जी अमानत भी होगी सदाकत भी होगी कोई और खूबी लाए जी सादिक उसी को कहते हैं कुछ और बताए यानी कि नबी वसल्लम की जात की खूबियां ढूंढने के लिए टाइम चाहिए हमें आप तो सरापा खूबी थे आप बाहया थे आप नफीस मिजाज थे आप सफाई पसंद थे आप सुलह जू थे आप सल्हल वसलम नरम गो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुस्कुराता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ कायम करने वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदकात करने वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखने वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्हलम करने वाले थे आप सलाह कराने वाले थे आप बच्चों से प्यार करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत को ताड़ा नहीं जिंदगी भर छुआ नहीं जिंदगी भर आपने कभी किसी नापसंदीदा बात में हिस्सा नहीं लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को मुख्तर करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात असर अंदाज होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर छा जाने वाले थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ मसावत का रवैया रखते थे अपने साथियों का ख्याल करते थे आप सल्लाम जहां जगह मिलती थी बैठ जाते थे आपने जिद बिल्कुल नहीं थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज इंसान थे इंकसार था आपके अंदर आप खाने में से नक्स नहीं निकालते थे एक बात है हजार बात है बगैर कोई किताब देखे मैं आपके साथ दो घंटे इस मौजू पर बात कर सकती मगर असल मसला कहां पर है दो बातें हैं पहली हमने तो नबी पढ़ी नहीं और दूसरा हमारे जहन में ये वाजे नहीं है अखलाक होता क्या है अखलाक के नाम पर हमें लगता है जो ज्यादा बोलता है वो बाखला हर नेकुल्क है जी बेटी के आने पर खड़े हो जाते थे बेटियों से मोहब्बत करते थे बहुत अच्छा बा हयात बहुत अच्छा दूसरों को तरजीह देते थे बहुत अच्छा राय को अहमियत देते थे साहबा की इज्जत करते थे मोमिन पर नरम थे एक है मैं कहती हूँ जो खूबियां आप गिनने बैठे तो खत्म ना हो मैनेजमेंट बहुत अच्छे मैनेजमेंट करने वाले थे जी बेशुमार खूबियां जी बेशुमार खूबियां बेशुमार खूबियां लेकिन आपको कितना सोचना पड़ा सोचे खुद साबिर थे शाकिर थे इंतहा शुक्र आबिद थे हर वक्त हमद करने वाले थे तस्वीर करने वाले थे. तो, थे तो ये अखलाक पैदा करने हैं अखलाक की एक लंबी लिस्ट है जिसमें खुद को चेक करें क्या है मेरे अंदर क्या नहीं है मेरे अंदर फिर आपको पता लगेगा जैसे आप देखते ना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं गजाई अजा तो वो आपका टेस्ट होता है कि जी ये ज्यादा है ये कम है इसकी वजह से तबीयत खराब है रूहानी तबियत भी इसीलिए खराब है बहुत कुछ कम है तो वो भी चेकअप अपने आप का चेकअप करें और फिर देखें क्या क्या कम है फिर अपनी रूह को उसका डोज दें फिर आप देखें रूह ताकतवर होगी फिर इबादतें होंगी फिर रियाजतें होंगी फिर कुर्बानी दी जाएगी बहुत बहादुर थे इसको आप कहेंगे शुजात थे बिल्कुल तवाना थे पहलवान थे मरे मुके नहीं थे हमारी तरह पहलवान थे आप वसल्लम जवानी में पहलवानी किया करते थे जी बिल्कुल थे, सियासतदान भी थे हाकिम भी थे काजी भी थे आदिल थे।, थे, थे जी बिल्कुल आदिल थे વાય નાકામી મતાએ કારવા જાતા રહા કારવા કે દિલ સે અહસાસે ઝિયાં જાતા રહ ઇકબાલ કહેતે હૈ સફત શમ મે લહદ મુરદા હે મહેફિલ મેરી આહ એ રાત બહોત દૂર હે મંઝિલ આપકો સમજ ભી નહીં આઈ ઓની મેરબાન ફકુરતુલલાહ શાહબ કહેતે હૈ કે હમ છોટે થે તો जम्मू में प्लेग फैल गया तो हमें हमारे अब्बा ने दादी के पास गांव भेज दिया तो वहां पर स्कूल में उर्दू हम एक सिख टीचर पढ़ाते थे पंजाबी में तो वो गालिब का शेर हमें अपने ही अंदाज में में पंजाबी में एक्सप्लेन करते और फिर कहते बढ़ा बना दिया बढ़ा दिया मर गया मैं समझा दिया समझा दिया मर गया मर जाने तानू समझ कुछ नहीं आने तो मेरा आपका वही किस्सा है ना हाल क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का आईने बेचता हूं मैं अंधों के शहर नहीं जी नहीं अल्लाह ना करे अल्लाह आप सबको कभी -कभी मुझे तकलीफ होती है देखिए ये जो बात है ना बहुत अच्छी कही उम्मे हमजा आपने की वॉज बेस्ट इन एवरी थिंग लेकिन मैं मौजू क्या है मौजू है कि आपकी अखलाक और आदात को आप एनालाइज कर सकें कि आप, as, जब आप एक खाना बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना एक शख्सियत के भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स अखलाक कहलाते हैं तो वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर एक शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनती है हम वैसे तो नहीं बन सकते उन उनकी मिसाल तो नहीं बन सकते मगर उनको कॉपी करने की कोशिश तो कर सकते हैं तो जब तक वो इंग्रीडियंट्स सामने नहीं होंगे हाउ कुड वी फॉलो हिम हाउ कुड तो हमने कभी इरादतन आपकी इताक की कोशिश ही नहीं की ना नहीं की इसीलिए हमें नहीं पता सीरत को सुना है स्कूलों में भी पढ़ा है कॉलेजों में भी पढ़ा है हो सकता है आपने कोई बुक भी पढ़ी हो जैसे आप लोगों ने तो दो किताबें पढ़ी हैं तो जल्द या नबूत पढ़ी या रही कुल मखतूम पढ़ी फिर क्यों जवाब नहीं दिए जा रहे प्रॉपर तरीके से इसलिए कि हमने इंटेंशनली फॉलो करने की कोशिश नहीं की जो फॉलो करता है वो प्लान करता है वो प्लान करता है वो अपनी लिस्ट बनाता है ये 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 करते हैं जब आप रेसिपी करते हैं तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट पूरे करते हैं ना फिर पकाने खड़े होते हैं तो हमारे इंग्रेडिएंट ही हमें नहीं पता पकाना हमने खाक है बनना हमने खाक है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी की क्या क्या खूबियां थी उन खूबियों को हम कंपाइल नहीं कर सकते लेकिन एक मोटी मोटी लिस्ट बन जाए आप देखें वो भी एक तवील लिस्ट होगी उस लिस्ट में फिर आप उन मोटी मोटी खूबियों को आप देखें कि ये खूबी मुझमें है किसी हद तक वैसी तो नहीं हो सकती यानी अगर मैं नमाजी हूँ तो नबी वसल्लम की एक नमाज और मेरी जिंदगी की सारी नमाजें कोई बैलेंस नहीं हो सकता कोई बैलेंस नहीं हो सकता अब मायशा कहती हैं आप सल्लाम जब नमाज पढ़ते तो आप क्याम करते कि उस क्याम का हुसन मैं तुमसे क्या बयान दूँ और जब आप रुकू करते तो क्या रुकू करते मैं रुकू का हुसन तुमसे क्या बयान करूं और जब आप रुकू से खड़े होते दोबारा कौमा में तो आप कैसा कौमा करते मैं उसका हुसन तुमसे क्या बयान करूं और जब आप सजदे में जाते और आप सजदा करते तो मैं उस सजदे का हुसन तुमसे क्या बयान करूं और जब आप जलसे में बैठते तो उस जलसे का हुसन तुमसे क्या बयान करूं और जब आप फिर सजदे में जाते तो उस सजदे का हुसन मैं तुमसे क्या बयान करूं और आपकी हर नमाज ऐसी होती थी मैं आपकी नमाजों का हुसन तुम लोगों से कैसे बयान करूं तो आपकी एक नमाज और मेरी सारी जिंदगी की नमाजें इकट्ठी हो जाए ना तो कोई बैलेंस नहीं लेकिन बहरहाल ये बड़ा आजाद होगा कि मैं नमाजी हूं अगर अगर हूं वो मैं जानती हूं मैं अगर अगर जान। आपका सच और मेरा सच कोई मुकाबला नहीं है लेकिन अगर मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया क्योंकि हम में से कोई ये नहीं कह सकता मैं शुरू तो ही सच्चा जब शऊर आएगा तभी सच बोलना शुरू किया तो अगर झूठ बोलना छोड़ दिया और सच पर कायम हो गए सारी जिंदगी हम आपके मुकाबिल नहीं आ सकते क्योंकि आपने सारी उम्र झूठ नहीं बोली लेकिन अगर मैंने झूठ बोलना ही छोड़ दिया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी भाई मेरी कि मैंने एक और चीज में आपको फॉलो कर लिया कितना जितनी मेरी ताकत है जितनी मेरी औकात है तो ये ये है सूरत हाल सवाल ये नहीं है कि आप कितने अच्छे थे वो तो कुरान खुद बयान कर रहा है हम क्या बयान करेंगे कुरान खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहा है। वो कहते है, इन्ना आला अज़ीम आप के, के बेहतरीन दर्जे पर है आपकी सिफत हम क्या बयान करेंगे लेकिन बात यह है वो सिफतों का एक चार्ट मुझे इसलिए चाहिए कि मैं अपनी इस्लाह के लिए अपने अंदर वो इंग्रेडिएंट डाल सकूं लेकिन ये तब होगा जब शूर के साथ फॉलो करेंगे जब तक शौरी पैरवी का इरादा नहीं होगा तब तक ये तैयारियां नहीं होंगी जैसे एक बच्चे ने इम्तिहान देना होता है ना प्राइवेट दे रहा फर्ज करें तो वो सबसे पहले फिर चार पांच महीने पहले इम्तिहान से फिर वो क्या करता है सबसे पहले वो सब्जेक्ट की लिस्ट निकालता है ये ये सब्जेक्ट है ये सात पेपर मैंने देने अब फिर वो कहता है अच्छा इसकी किताबें कौन कौन सी है फिर वो किताबें लेकर आता है फिर उसके बाद कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है इसको अभी से करता हूँ ये आसान है ये आखिरी महीने में तैयार हो जाएगी ऐसे ही होता है ना तो इसी तरह हम भी तो कोई तैयारी करें अगर हम आपको फॉलो करना चाहते हैं प्रेपरेशन क्यों नहीं खाली बैठ कर मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहती हूँ ऐसे थोड़ी होता है ऐसे नहीं होता तो भैया अपना अपना काम करें अपने दाएं हाथ से मदद लें अपने चार्ट बनाएं अपने हैव एंड डोंट हैव्स का जो है एक फॉर्मूला बनाएं काम करें अल्लाह के यहां काम करने वालों की कदर है वो कहते हैं मुजफ्फर वारसी उसकी इक रह गुजर तय न हो उम्रहुजर तय न हो उम्र भर, भर। बुलाए आशिकी तो मगर मिल गया रस्ता तो चुन लें हम आप जैसे तो नहीं बन सकते मगर आपकी राह पर तो चल सकते हैं बस यही मकसूद है यही है वकाल अला अर्जुन अली का आना और कहा उन लोगों ने जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीदवार है ही नहीं लोलाउं का तो क्यों हम पर रिश्ते नहीं उतरते औ रब बना या हम अपने रब को आंखों से क्यों नहीं देखते लक, बारूफी ये असल में उनके दिलों का है, है को मुजरिमीना कोई खुशखबरी नहीं होगी उस दिन मुजरिमो के लिए वह यूलू ना हिजरम माह कहा जाएगा बंद कर दो इन्हें पूरी तरह कैद में डालोगीम ना लामा अमलिन और हमने तवज्जो की उन अमाल की तरफ जो उन्होंने अमल करने वालों ने किए फजा अल्लाह हबा अम मंसूरा और हमने उन्हें बिखरी हुई रेत बना दिया गुबाद बना दिया अल्लाह कहते है, मुनाफिकों के और काफिरों के अमाल को हम रेत बना देंगे उड़ा देंगे अस हबल जन्नती जो जन्नती हैं यो मैज इन खैर मुस्तकर बेहतर होंगे अपने ठिकाने के अतबार से वह मकीला और उनके दोपहर को गुजारने की जगह भी अच्छी होगी अः हशरत के दिन उनके लिए वेटिंग रूम्स बनाए गए होंगे हमारे लिए बनाए गए होंगे इनशाला वह योम तशक सम ग ये वो दिन होगा जब आसमान बादलों से फट जाएगा फरिश्ते हक होगी दिन का हो काफिलो पर बड़ा सख्त होगा वह यौम या उद्दू ि और ये वो दिन होगा जब काट खाएगा अपने दोनों हाथ यानी हाय मुझे अफसोस है इतूली सबीला मैंने क्यों नबी के साथ रास्ता नहीं

मेरी कुरान को तर्क कर दिया तन्हा कर दिया मिनल मुजरिमीन हमने इसी तरह हर नबी के लिए मुजरिमों का दुश्मनों का एक गरोह रखा है जो मुजरिम है उनके दुश्मन बने हुए हैं वकफा भी रबी का हादियम व नसीरा तेरा अल्लाह काफी है तेरा रब काफी है हिदायत देने के लिए मददगार होने के लिए वकाले ने कहाता की बातें करते हैं ये आता आहिस्ता, आहिस्ता उतारा ताकि आपके दिल पर जम जाएर कर पड़े वाला या तोना का भी मसल नहीं आती आपके पास कोई मिसाल कोई एतराज की बात अलजीना का हम उसका जवाब लाते हैं बिलहक दरुस्त तरीके पर आसाना तफसरा और उसे वजाहत कर देते हैं उसकी असन तरीके पर अल्लाजीना आला वजूह ही वो लोग जो इकट्ठे किए जाएंगे चेहरों के बाद जहन्नम जहन्नम में उलाए का यही वो लोग हैं मकान जो बदतरीन है मकाम के एतबार से वह अदल सबीला और भटके हुए हैं रास्ते से वह लगत बिलासल किताबा हमने को दी। वजा और हमने कहा दोनों जो लजीना उस कौम की तरफ भी आयाति ना जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया है फदम मरना मगर वो नहीं माने तो हमने उन्हें बर्बाद कर दिया वकाउ कौ मनु हिन् की बात करो लम्मा कस जब रसुल जब को उन्होंने नूह रसूलों का इनकार कर दिया अगरक रखना हूँ हमने उन्हें डबो डाला वजह अल्लाह नासी आया हमने लोगों के लिए उन्हें एक निशानी बना दिया वह आतद नलिमी ना अजाबन अलीमा जालिमों के लिए हमने अजाब अलीम तैयार कर रखा है वह आदन व समूदा कौमे आद कौमे सबूत बाबर रसी कुे वे नजारी का और बहुत सारी दूसरी कौमें बयान सब सब की वकुल बर्बाद करके रख दिया कर क्या कभी नहीं गुजरे तुम तो उस पस्ती पर से जिस पर हमने बुरी बारिश परसाई कौम लूत अफलमहा क्या भला वो देख नहीं सकते थे बलकाना नशूरा वो दोबारा उठाए जाने की वो दोबारा उठाए जाने की उम्मीद नहीं रखते थे वाइजा और जब राउ का वो देखते हैं आपको इर, का बनाते हैं आपका इल्ला ए ये कुफार जब आपको देखते हैं आपका मजाक उड़ाने लगते हैं इनका करीब था कि ये हमें हमारे खुदाओं से बहका देता लउलाबर ना अलहा अगर हम सबर ना करते अपने खुदाओं पर वसूफ नमूना अन करीब वो जान लेंगे हीना यर अजाब जब अजाब देखेंगे मन अदल कौन रस्ते से भटका हुआ है क्या भला तू उनके लिए कारसाजी करेगा नफ्स पर चलते हैं आप उनकी कारसाजी नहीं कर सकते हदीसी मुबारक है आप सल्हसम ने फरमाया सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो सारी उम्र बंदगी अपने नफ्स की करता रहा और रहमत की तो से लगाए रखी तो सोचने का मकाम है ना ओ तुम क्या समझते हो कि इनमें से अक्सरियत सुनती है अकल वाली है जानवर है बल हम अदल सबीला ये उससे ज्यादा भटके हुए लोग हैं तरा अरबी का <coughs> क्या इन्होंने कभी गौर नहीं किया अपने रब की तरफ तो उसने कैसे साय फैला दिए अगर अल्लाह चाहता जिसमो की तरह साय भी सा दलीला मगर अल्लाह ने सूरज को सायों की दलील बनाया सूरज के साथ साथ, साथ, साथ हरकत करते हैं ना सुमा कबज ना हो इही नब य और फिर आखिरकार अल्लाह साय अपनी तरफ उठा लेता है पूरी तरह जब सूरज डूब जाता है साय गायब हो जाते

हम पिलाते हैं उसके जरिए मवेशियों को जिन्हें हमने पैदा किया वह बदल, बदल कर करते हैं तुम नसीहत तो कबूल करे वो लो। लोग हम चाहते हम हर बस्ती में आ, एक डराने वाला खड़ा करते भला तोना मत इताब कीजिए काफिरों की

तुम नहीं जानते अहले खबर से पूछो की लाला और जब कहा करो रहमान के लिए कालू कहते हम उसे करें लिए तू कहे? और ये बात उनकी नफरत में इजाफा कर देती है तबारकल बहुत बाबरकत है वो रबाई गुरुजन जिसने आसमान में बुर्ज बना दिए वह सिराजन उसमें सूरज बनाया वह कमर मुनीरा और चांद बनाया जो चमकता है वह नहारा और उसने बनाया रात और दिन का निजाम जो एक दूसरे के आगे पीछे आते जाते हैं लिमन निशानियां हैं उसके लिए जो नसीहत हासिल करना चाहे निशानियां हैं उसके लिए जो शुक्र गुजार होना चाहे वहीमान रहमान के बंदों की बात मत करो ये वो है अर्द हाउनन जो जमीन पर आजिज होकर रहते हैं आजिज होकर चलते हैं वही कालू सलामा जब कोई जाहिल उनसे बहस ही करने लगता है कहते हैं सलाम सलाम

उसको अल्लाह ने मारना जायज किया था वला यज़दून ना वो जिना करते हैं मैं असामा। और जो कोई कमी करेगा अपने गुनाह को मौजूद पाएगा कायमत के दिन उसका अजाब दुगना हो जाएगा वह यकलुफी ही मुहाना और जहन्नम में रहेगा वो रसवा होकर इलामनताबा सिवाय वो जो तोबा करे वमना ईमान लाए वमिलान एक काम करे वह अमिला आमलन सालिहन और काम करे अच्छे नेक फौलाए का युब दिल्लासैम हसनातिन तो अल्लाह इन लोगों की बुराइयां भी नेकियों से बदल देंगे अल्लाह अल्ला बख्श देता है मेहरबान है और पलट आएगा अल्लाह की तरफ पूरी तरह बल्लजीन अला या जूरा। मेरे बंदे वो हैं जो झूठी बात के गवाह नहीं बनते मर्रामन जब किसी बेहूदा बात को देखते हैं वो की तरह निकल जाते हैं ठहरते नहीं रोक नहीं सकते तो हिस्सा भी नहीं बनते और जब बैठ कर ये रात रात भर नाच रंग की महफिलों में शादियों में शरीक होते हैं तब हम कहाँ होते हैं वल्लना दुख की रूबी आया और ये बोलो कि जब नसीहत किए जाते हैं अपनी रब की आयतों के साथ लम यखीर वन नहीं गिर पड़ते उन पर अंधे बहरे बनकर यानी के अल्लाह रसूल के नाम पर लोग झूठ बोलते हैं तो उस झूठ में ट्रैप नहीं होते ये वो लोग हैं जो कहते हैं मिन ए हमें हमारी बीवियों से या शोहरों से वजूद औलादों से ठंडक दे इमामा, हमें को कारों का रहन बनाई का बीमा सबर वो है जिन्हें बाला खाना मिलेंगे जन्नतों में क्योंकि उन्होंने सबर किया वो नफीम व सलाम और वह हासिल करेंगे वहां पर दुआए खैर और सलामती खालिदी नफीहा हमेशा रहेंगे

तुम्हारी दुआओं की कोई वैल्यू नहीं है फकत कज़ब तुम यकून लिजामा अगर तुमने जुटला दिया तो अजाब तुम्हें आकर रहेगा यानी कि तुम जो अपने खुदाओं से मेरे लिए करते करते हो आई डोंट केयर फॉर देम थ्रेट थे ना कि हमारे खुदाओं का अजाब आएगा हुबल ये कर देगा लात वो कर देगा अल्लाह ने करने को मुझे कोई परवाह नहीं है मेरा रब जो करेगा वही होगा जाओ कर लो जो करना है मेरे खिलाफ एक बात किसी ने मुझे कहा कि तुम पर गौ आजम का अजाब आएगा मैंने कहा मैं अब्दुल कादिर जिसके बंदे हैं ना मैं उसके अहबाब से डरती हूँ अब्दुल कादिर के हिसाब से नहीं डरती मैं तो ये वही बातें हैं हमारा तो गौ अजम रब है ना और जिनको ये गौसेम मानते हैं ना हम उनके अजाब से नहीं डरते ना हमें उनकी राहमत दरकार है हमें अपने रब की राहमत दरकार है और हम उसी से खौफ जदा बस बिल्कुल तो बुला ले सालों को बुला ले जो बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ ले आज तक तो कुछ बिगाड़ नहीं सके गुजर गए इस बात को भी चौबीस साल سوره الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم <applause>

जोड़े न के पैदा किए इन न फिजालिक आया बेशक इसमें निशानी है अक्सर मगर अक्सरियत ईमान नहीं लाएगी वही नब्बा काजीजुर आपका रब ग करने वाला है वा मुसा, और जब आपके रब ने है कौम फिर की कौम अलाय तक उन्हें कहो वो डरते ने हर्ज के अल्लाह मुझे डर है वो मुझे झुटला देंगे भाई अजीजी कुछ जिम्मेदारी तलीकुलिसानी मैं स्पीकर नहीं हूं मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ फारसिल इला हारून हारून को मेरे साथ भेजिए वमबुन मेरे जिम्मे उनका एक गुना भी है वो जो बंदा मार दिया था मुझे डर है मुझे कतल कर डालेंगे कहाला ने कहा कभी नहीं मूंसा कभी नहीं फसद को भी नबी बनाया आप दोनों जाओ इन्ना माँ को मैं खुद तुम्हारे साथ सुनूंगा सब कुछ फातिया फिर औना जाओ फिर उनके पास फकूला उससे कहो तुम दोनों इन्ना रसूल रबीन हम दोनों रब्बुल आलमीन के रसूल हैं अन अरसिल माना बनी इसराइल हमारे साथ बनी इसराइल को

मैं गुमराह हो गया था गुस्सा आ गया था फफर फफर तुम इनको लम्मा खिफ फिर मैं तुम्हारे खौफ से यहाँ से चला गया भाग गया फवाह बाली रब्बी हुक्मन फिर मेरे अल्लाह ने मुझे इनायत फरमाई हिकमत वजह अला ने मिलल मुरसलीन मुझे रसूल बनाया अच्छा खुद कितने बनी इसराइली मारे कोई हिसाब नहीं ना एक किब्ती मारा गया तो हम भी नहीं जा रहा वतिल का नीमत तमन्नुहा अलैया और ये एहसान तुमने जो मुझ पर किया है जो जिता रहे हो कि मुझे पाला अन अबत्ता बनी इसराइल मेरी पूरी कौम को तुमने गुलाम बना रखे वो नजर नहीं आता काला फिर औू कहा फिर औ ने वमा रबुल आलमीन अच्छा चलो छोड़ो बहस बताओ रबुल आलमीन कौन है काला ये वही सवाल है ना जो नमरूद ने इब्राहिम से किए थे अल्लाह अल्लाह कहा मूसा ने वल वमा बैनहुमा वो जो आसमान और जमीन और उसके माँ बैन कर रब है इन तुम मुकिनी अगर तुम यकीन करो काला फिरौन फिर मन हूल अपने गिर्द वालों से अला तस्तमीउन सुनती हो इसकी बात काला रब्बुकुम व रब आबा कुन मूसा ने कोई ध्यान नहीं दिया कहने लगे वो तुम्हारा तुम्हारे अब्जा का रब है काला इन्ना रसूल अलैकुम लमजनून कोई जवाब नहीं सूझा कहने लगा ये जो रसूल तुम पर आए ना ये पागल है दीवाना है काला रबुल मशर की बलमकी वे मुसा सलामे का मशरक वग़रब और माबेन का रब है इनको तुम ताकिल अगर तुम अक़ल का कर इस्तेमाल करो समझ जाओगे अच्छा आप उसको घबराहट हो गई कहने मेरे खुदा <laughs> अगर तुमने मेरे सिवा को खुदा बनाया लाजल न का मिलन मसूबिन में तुम लोगों को कैद में डाल दूंगा डूटी सीट होती है ना तो घबराहट का ये सलाम ने का अच्छा, तुम लोगों को सताओगे मना करोगे अगर तुम्हें निशानी दिखाऊँ कहाला फाति बिही कहा ला निशानी है, तेरे पास। के दिखा सच्चा है। भाई का आसा हूँ मूसा ने आसा रखा सुबह ने बना लिहाजा एक रिवायत में आता है की वो अजहा बना और अल्लाह रब करीम भी फिर हर तरीके से आजमाते वो अजहा बना और मुंह खोलकर फिर तख की तरफ चला तो फिर उड़ गए नजाजा भाई दुआ नाजरीन और अपना हाथ जब दबा कर निकाला तो वो चमकता नजर आया देखने वालों को काला लिल मलाई हाउ ला अब जब हजरत मूसा ने असा पकड़ लिया वो असा बन गया तो अब हवास ठिकाने आ गए तो अपने सरदारों को कहने लगा इन नलीम भाई मूसा तो बड़ा वाला जादूगर बन गया है मिन नहीं। चाहता है तुम्हें तो निकाल दे तुम्हारे मुल्क से जादू के जरिए पर माजा तमरून बताओ क्या मशवरा देते हो अब पहले तो उन्होंने कहा इनको ठहराओ फिर मीटिंग करते हैं फिर बिठाए गए इनके हजरत मूसा वगैरह ठहराए गए अपने घर चले गए होंगे और इनकी मीटिंग्स हुई कालू अर जीवा तो डिसाइड ये हुआ कि टाइम लो इससे और इससे भाई से मूसा और हारून से वह असफिल मदाय नहीं सारे शहरों में इकट्ठा करने के लिए लोग भेजो या तू का बिकुल ईसा हारिन अली वो तुम्हारे पास लेकर आए माहिर जादूगर फजूमिया सहरा तू जमा किए गए जादूगर लिमिकात योमी मालूम मुकदरा वक्त के लिए मुकद्रा दिन के लिए वकील अली और कहा गया लोगों से तुम इकट्ठे हो आज मुकाबला होगा हमारा और मूसा का ला नाह अपने जादूगरों का हौसला बढ़ाओ इनका ताकि वो गालिब आ सकेम जाहरा तू जब जादूगर सामने आए मूसा के कालू उन्होंने कहा आ, फिरौन की उन्होंने कहा ये फिरौन फिर से आई नजरन हमें बदला मिलेगा अजर मिलेगा इनकु नाम गालिबा गए काला नाम उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं वह इन मुकर्रबी मैं तुम्हें अपना दरबारी बनाऊंगा मूसा फिर उन्होंने मूसा से कहा जब आमने सामने मैदान में हुए अल कुमान तुम मुलकून हम पहले जादू दिखाएं आप पहले दिखाएंगे मूसा फालकू हिबालहू मूसा ने कहा तुम्हें दिखाओ दिखाओ जो दिखाना है फालकू हिबाल उन्होंने डाली अपनी रस्सियाँ वसीयो हूँ अपनी लाठियां व काल उन्होंने कहा इज्जत फिर फिर के इकबाल से इन्ना जैसे हम कहते हैं ना बिस्मिल्ला उन्होंने कहा इज्जत फिर फिर के इकबाल से इन्ना गालिबोल हम आज गालिब आएंगे फालका मूसा आसा हूँ जो वो सांप चले सारे आपको पता है अब पढ़ रहे हैं तफसी लोग डर गए मूसा भी अंदर से परेशान हो गए तो अल्लाह ने कहा आसा फेंक मूसा अल्लाह तखफ़ आसा फेंक

इन नहा उमत उन कलील और कहा ये चंद शरीर लोगों का रजील लोगों का छोटा सा गरोह है वह इन लला लगाइजून इनकी जरूरत हमें गुस्सा दिलाएं हमें छोड़कर जाएं जाए वही नजमी उन हाजिर हम इन सब से इकट्ठा तो करेंगे पकड़ेंगे क्योंकि हम इनसे मोहतात रहेंगे ये कहीं शर्पसंदी ना करें ऐसे ही काम करते हैं वह और रसना बनी इसराइल डबो दिया हमने इनको और वारिस बनाया फलस्तीन का बनी इसराइल को फात बन वो उनके ताकुब करते हुए सुबह सवेरे उनके पीछे पहुंचे फल्मा तर जम आन जब दोनों जमातों का सामना हुआ काला साहब मूसा इन्ना लमुदरकून मूसा के साथी कहने लगे मूसा हम पकड़े गए काला कल्ला मूसा ने कहा कभी भी नहीं इन्ना मा या रब्बी सयादीन अल्लाह मेरे साथ है वो मुझे रास्ता दिखाएगा फाउहैना इला मूसा हमने वही की मूसा पर आंधी दी बेसाकल बाहर अपना असाब समंदर पर मार फनफला का वो फट गया फकान कुल्लुन फिरकिन उी अजीम और हर दो तरफ के जो पानी के रैले थे वो बड़े पहाड़ों की तरह साकिन हो गए वह अजरक ना सब आ करीन करीब कर दिया हमने दूसरों को बनी समंदर पार कर गए और फिर वगैरह किनारे के करीब आ गए और देखते रहे जब उन्होंने देखा बनी सर सलामती से निकल गए तो वो भी उतर आए वह अनजई नजमाइन हमने और उसके सारे हमराहियों को बचा लिया अवरकन आ करीन डबोया बाद वालों को फिर और साथियों को इन फीसिकाला आया बेश निशानी है वमां का नाकू मुकमीन मगर उनकी अक्सरियत फिर भी ईमान नहीं लाई मौजूदे से बात शुरू हुई अल्लाह ने कहा मैं मौजूदा उतार लू या ईमान नहीं लाएंगे फिर अल्लाह ने यह वाक्य बयान किया इतनी बड़ी निशानी देखकर समंदर पार आकर पहली फरमाइश क्या की थी बनी इसराइल ने हमारे लिए भी एक बुध बना दो जैसे इसको आम के पास बुध था तो मौजूदों से ईमान नहीं आता ईमान किताब से आता तेरा रब बहुत गालिब है बहुत रहम करता है इब्राहिम का किस्सा सुना इसका ही ही माताबुदून जब उसने कहा अपने बाप से अपनी कौम से तुम किसको पूछते हो कालु नाबदू असनामन कहने लगे भूतों को पना जो लहा हम तो सदियों इन पर जमे बैठे हैं काला इब्राहिम ने कहा हल्ता जब तुम पुकारते हो ये सुनते हैं और तुम्हें नफा देते हैं और ये दुरू नुकसान देते हैं कालू उन्होंने कहा बल बजत ना आबा आना कजा लिखा नहीं लेकिन हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया इब्राहिम ने कहा अफर आई तुम मकुन तुम ताबून क्या तुमने देखा जिनकी तुम इबादत करते हो वो क्या है अब जिनको तुम और तुम्हारे बाप दादा ने जो तुमसे पहले गुजरे रब बना लिया तुम सब तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बनाए खुदा सब मेरे दुश्मन हो उला रब बिल के अल्लाजी तभी तो अल्लाह ने फिर कहा कि मेरा खलील है इब्राहिम इब्राहिम ने भी तो सारे दुश्मनों ने खुदा को अपना दुश्मन बनाया Deen, वो ही रब है जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे हिदायत देता है वो मुझे खिलाता है वो, वो शिफा देता है वही जिंदगी दोबारा बख्शेगा यदीन वही रब जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि, कि क्या मुझे माफ कर देगा रबीन है मुझे सालों में शामिल कर वजान

फिर था नमरूद था और आज कितने नहीं फिर बैठे हैं तो ये सारे जो है जहन्नु में गिराए जाएंगे व ऊँह वह अजमाउन और इबलीस के सारे लश्कर इकट्ठे हो जाएंगे जहनु में कालू वो कहेंगे जबकि वो जहनु में झगड़ेंगे आपस में तल्ला ही ए, कुन्ना की कसम हम खुली गुमराहि का शिकार आलमीन जब हमने तुम्हें तो मेरे आलमीन का बराबर बनाया वाला मुजरमून गुमराह किया हमें मुजरिमो ने फमाल शाह आज तो कोई सिफारिशी तक नहीं हमारा वला सलीकिन हमीन ना कोई गहरा दोस्त है फलू काश अन्ना

क्या मेरा इन ये क्या अमल करते हैं मुझे इसका कुछ हिलम नहीं यानी कि इन लोगों के अमाल से मेरा लेना देना नहीं है इनके कारोबारों से मेरा लेना देना नहीं है मैं तो ईमान को देखूंगा इन हिसाब लो, लो इनका हिसाब मेरा रब लेगा काश तुम इस बात को समझो वमा मुणीन। मैं मोमिनों को दुदकार नहीं सकता इन अना नजीर मुबीन मैं तो सबकी तरफ वाज नसीहत करने वाला हूँ उन्होंने कहा नुह नू अगर आया तु बा मरजुमीन हम तुझे रजम कर देंगे काला रब

मेरा अजर मेरे रब्बे रब के जिम्मे है जो जहानों का रब है तब नू ना बिल्कुल आयतन क्या तुम बनाते हो हर ऊंची जगह पर एक निशानी तब ना बेकार जैसे अब ये बुर्ज खलीफा बन रहे हैं ना बेकार की निशानियां ये भी बनाते थे भाईजा बतश तुम बतश तुम जब बारिन और जब तुम किसी पर काबू पाते हो तो जाबिर बन जाते हो फ अल्लाह से डरो वातवी मेरी पैरवी करो उस रब से डरो जिसने तुम्हें मदद दी उन सब इलमो के जरिए कामों के जरिए जो तुम करते हो तुम्हें सिखाए अमदुम भी अन आमिन व बनी और मदद दी तुम्हें माल बेटों से और जानवरों से व जन्नात बागों से चश्मों से इनको मज़ाब योम नजीम मुझे डर लगता है तुम पर बड़े दिन का अजाब आ जाएगा कालू सबाउन कहने लगे बराबर है अलैना हमारे लिए अब आजा तू हमें समझाएन या समझाना छोड़ दे हम ईमान नहीं लाएंगे हाजा अवलिन बूढ़े बाबों की यही आदत है समझाते ही रहते हैं वो मानो भी मज़बीन हमें आजाद नहीं होगा तो जबू

तुम्हारे लिए ये जी जिसकी चार्जिंग काम नहीं करे ये अभी बंद हो जाएगा काला हाजही नाकतुल्लाह राबिया ये चार्जिंग लगाएं अभी बंद हो जाएगा लैपटॉप काला हाजही नाकतुल्लाह का तो कहा ये उठनी है अल्लाह की आ गया आ गया छोड़ दे उठनी है अल्लाह की एक दिन इसके लिए पीना है वाला यो मालूम और तुम्हारा तुम्हारी बारी पर पीना है वाला बिसुइन ना छूना तुम से बुरी नियत है तुम्हें बड़े दिन का अज़ा पकड़ेगा फाकर बहु ना उन्होंने उसकी टागे काट डाली और शर्मिंदा होकर रह गए उन्हें अजाब ज्यादान पकड़ा इन निकल आया बेशक इसमें निशानी है माँ का नकिन नहीं है उनकी अक्सरियत ईमान वाली व वा इन्ना रबलजुर रहीम बेशक रब ग मगर रहम करता है कस जबत कौम लूतू लूत निलमसलिन और बेशक जुटा कौम लूत ने भी रसूलों को इसका लहुम जब उनके भाई लूत ने कहा अला तब

पूरा ना पा करो वला तुन मिनल मुखसरीन और तोल में भी खसारा ना दो वजी मुस्तकीम और जब तोजो तो तो तलाजु सीधा खड़ा किया करो वला फसु ना सा अशिया अहम लोगों को चीजें कम ना दिया करो वला वलातीदीन तो जमीन में फसादी ना बलो लजी उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया बल लतल अवलिन और पहलों को भी पैदा किया कालू कहने लगे इन न मानता मिनल पर तो जादू हो गया है वह मानता मस्तुना तू है क्या हमारे जैसा एक इंसान व इन विनल का हमें यकीन है तू झूठा है है। आज की फन गिरा दे पर आसमान का टुकड़ा मिनस या आसमान का इनकुनता मिनस स्वादी की नगर तो इतना सच्चा है काल अरब आलमू आलो बिमा तालून शैद ने कहा अल्लाह

सलाम अला कल भी आपके दिल पर लिता ना मिनल मंजरीन ताकि आप भी आगाह करने वालों में शामिल हो जाए बिलिसानी अरबी मुबीन इसकी जुबान अरबी मुबीन है विन नाहफी जुबर अवलीन और बेशक के पहले सहीफों में मौजूद है अवलम यकुल्लह आयतन या भला इनके लिए निशानी नहीं बनी ये बात आई के जानते हैं इसराइल बनी इसराइल बनी के आजमीन अगर हम इसे अजमियों पर उतारते फकर वो आकर इन पर पढ़ता माँ का नबीन तो ये उसका भरोसा भी ना करते तो हमने अरबी नबी भेजा उस पर भी भरोसा नहीं कर रहेना मुजरिमीन हम अपना कलाम इसी तरह मुजरमों के दिलों में परो देते हैं लाबी वो उस पर ईमान नहीं लाते हत अलीम जब तक अजाब अलीम ना देखे न

नहीं हलाक किया हमने किसी बस्ती को इल्ला मगर, मगर उसके लिए पहले डराने वाले भेजे नसीहत के तौर पर वमा कुन्ना हम जालिम नहीं है, वमा भी शयातीन नहीं उतरते शयातीन इसके साथ यानी कुरान के साथ वमा ना ये शयातीन का काम है वमा ना वो इसकी ताकत रखते हैं वो तो कुरान सुनने से रोके जा चुके हैं फलाम आखला

वादियों में भटकते फिरते हैं दीवाना वाद वो वा अन्न हम यकूलू ना माला या फलून वो बातें कहते हैं जो वो करते नहीं है वो ढींगे मारते हैं ना उसकी बात हो रही है इल्ला लजीना आमनु वामिलु स्वालिहाती सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेकोकार हो गए वज़ाकरुल्लाह और जिक्र करते हैं अल्लाह का कसीरन बहुत ज्यादा वन और उन्होंने बदला लिया मिम बाद जुलिम जब उन पर जुल्म किया गया यालमुल लज़ीना जोलम और अन करीब जान लेंगे जालिम अय्या मुन कलिबुन यन कलिबून के अंजाम के अतबार से कौन कहाँ लौटने वाला है शायद बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना वो क्या के मैं सितारे तोड़ कर ले आऊ और जो है क्या मांग में सितारे भर दो टाइप की रोमांटिक शायरियाँ होती है तो करते हैं कौन ला सकता है तो अल्लाह कहते हैं कि झूठी बातें करने में झूठे कसीदे घरने में लगे रहते हैं तो ऐसे लोगों पर उतरते हैं अब अल्लाह कहते हैं जो शायरी करते हैं उन पर श्या उतरते हैं और आज कल के नाम ना अदालत फरमाते हैं वो सीखी है तो चलिए आज की बात खत्म करते हैं व व व इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका इलैका अलैकुम सुबह व बरक